लाइफ इज़ बिज़ी और हम लोग हमेशा कुकिंग को आसान बनाने के तरीके ढूंढते हैं जो हमारा टाइम और मनी दोनों सेव करें। हमारी फैमिली के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड प्रिपेयर करना ये हमारी प्रायोरिटी है ना मॉमीज। सो गेट रेडी फॉर द किचन टिप्स एंड हैक्स जो कुकिंग को इजियर बनाने के साथ टाइम सेविंग भी है और वेस्टेज से भी बचाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूंगी कुछ किचन टिप्स। इनमें से बहुत सारे टिप्स सभी मॉमीज को पता होंगे, लेकिन वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। प्री सोक पास्ता। पास्ता को 30 टू 40 मिनट्स गर्म पानी में सोक करके रखें इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग। साथ ही में इसमें डालें नमक और ऑयल। आपको पास्ता बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ सिंपल सोक करने से। प्री सोकिंग पास्ता एक ग्रेट हैक है, सो आप टाइम और एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पास्ता बनाएं यूज़ कीजिए प्री सोक मेथड और यूज़ कीजिए इस पास्ता को आपके मनपसंद रेड सॉस या फिर वाइट सॉस में। इलायची यानी कि कार्डमम। इलायची को रोस्ट कीजिए 1 मिनट के लिए या फिर माइक्रोवेव कीजिए 30 सेकेंड्स के लिए। अगर आप माइक्रोवेव प्रेफर नहीं करते इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप इसे रोस्ट कीजिए 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसके छिलके इजीली रिमूव हो जाएंगे। रोस्ट करने से इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा और वह फाइनली पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने बिना रोस्ट किए पीस लिया है और रोस्ट करने के बाद कितना फाइन पाउडर बन गया है। रोस्ट करने से इसका मॉइस्चर कम हो जाता है और ये पाउडर में अच्छे से कन्वर्ट हो पाता है, तो आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं रोस्ट किए बिना और रोस्ट करने के बाद। क्रिस्पी और फ्लफी वड़ाज बनाने के लिए उड़द दाल को सोक करके रखें 4 से 5 घंटे के लिए, जिससे बैटर फ्लफी होगा और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं डिफरेंस सोक और अनसोक उड़द दाल में। सोक करने के बाद उसका एक्स्ट्रा वाटर में पीस लें। मेक श्योर कीजिए जब ज़रूरत होगी तब आप पानी मिलाएंगे और पानी आइस वाटर या फिर आइस क्यूब होना चाहिए। उसके बाद इस बैटर के बनाइए वड़ास। ये वड़ा बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट बनेंगे। सोक राइस यानी कि चावल। राइस को कुक करने से पहले उसे सोक करके रखिए 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा विटामिन B और 3 के साथ। सो अगर आप भी राइस रात में खाते हैं तो आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। सो इजेंट इट अ ग्रेट हैक। लौंग। लौंग का इस्तेमाल हम तो वैसे काफ़ी चीज़ों में करते हैं, लेकिन अगर आप चीनी में लौंग डाल के रखेंगे तो चीटियाँ बिल्कुल नहीं होगी। तिल। आप रोटी या फिर पराठा को हेल्दी बनाने के लिए आप उसमें तिल ऐड कीजिए। यस, थोड़े से तिल आप आटा गूंथते वक्त ऐड कीजिए। तिल एक रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, उसमें बी विटामिन है, हेयर ग्रोथ, बोन हेल्थ और ग्रोइंग किड्स के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो जब भी आप आटा गूंथे उसमें थोड़ा सा तिल मिला के गूंथे तो आप बेटर रिजल्ट्स पाएंगे। बैंगन यानी कि एग प्लांट। बैंगन खरीदते वक्त लाइट वेट वाले खरीदें, ज़्यादा हेवी वेट वाले बैंगन में ज़्यादा सीड होती है और वो टेस्ट में भी कड़वे होते हैं। अगर बैंगन नीचे से गोल है तो ये मेल एग प्लांट है और थोड़े ओवल शेप में है तो ये फीमेल एग प्लांट है। ये किसे पता था, है ना। मेल एग प्लांट्स में लेस सीड्स होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल एग प्लांट्स और वो टेस्ट में भी बेटर होते हैं। और यहाँ पर आप खुद क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं मेल और फीमेल एग प्लांट्स में। नींबू इस तरह से स्टोर करने से काले हो जाते हैं, इनफैक्ट इनको फ्रिज में रखने से भी ये कुछ दिनों के बाद काले हो जाते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें नींबू आप अच्छे से निचोड़ लीजिए। इनका जो भी रस निकलेगा उसको एक ग्लास कंटेनर में आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके बाद जब भी आप शरबत या फिर मॉकटेल बना रहे हैं तो इसमें से कुछ रस लेके आप शरबत बना सकते हैं, या फिर इस तरह का चॉकलेट मोल्ड यूज़ कीजिए। जो भी लेमन जूस है वो आप इसमें डाल के इसके क्यूब्स बना लीजिए। इसको स्टोर कीजिए फ्रीज़र में और कुछ घंटों बाद आप देखेंगे इसके आइस क्यूब्स बन जाएंगे। इस क्यूब्स को आप यूज़ कर सकते हैं शरबत में या फिर मॉकटेल्स में। कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप रोस्ट कीजिए लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए
और उसके बाद उसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद एक कंटेनर में ले लीजिए और हाथों से रगड़ के उसका फाइन पाउडर बना लीजिए। इस तरह से रगड़ के फाइन पाउडर बनाने के बाद इस पाउडर को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की ग्रेवी में, जैसे कि मलाई कोफ्ता, पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई एक्सेट्रा में। बट मेक श्योर कीजिए स्मॉल बैच में बनाइए, क्योंकि इसका अरोमा और फ्लेवर बना रहेगा। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो इसका फ्लेवर और अरोमा सब्ज़ी में नहीं आएगा। तो मेक श्योर कीजिए जब भी आप बनाएं तो स्मॉल बैच में ही कसूरी मेथी का पाउडर बनाएं और फ्रेश बनाएं। स्टोरिंग टोमेटोज। टोमेटोज को ख़राब होने से बचाने के लिए उनके स्टेम्स को नीचे करके स्टोर करें। और दूसरा तरीका टोमेटोज को स्टोर और उनका अरोमा मेंटेन करने का ये है कि टोमेटोज को आप रूम टेम्परेचर में स्टोर करें। बट अगर आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में ख़रीदते हैं तो अदरवाइज़ बिग बैच में अगर आप टोमेटोज लेते हैं तो उनको आप फ्रिज में ही स्टोर कीजिए। ग्रेप्स। ग्रेप्स को इस तरह से स्टेम से तोड़ के ना रखें, क्योंकि इस तरह से तोड़ के स्टोर करने से ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। जब भी आप स्टोर करना चाहते हैं उससे पहले आप इसमें नींबू और नमक डाल के इसे वॉश कर लीजिए और उसके बाद ही इसे स्टेम से अलग करके सर्व कीजिए। यूज़ 60:40 रेशो। लहसुन और अदरक के 60:40 रेशो का यूज़ कीजिए। किसी भी ग्रेवी या फिर सब्ज़ी में 60% लहसुन लीजिए और 40% अदरक। अदरक की ज़्यादा पंजेंट स्मेल यानी कि तीक्ष्ण स्मेल होती है, और जब अदरक आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। सो ऑलवेज़ यूज 60:40 रेशो। स्टिकी राइस या फिर चावल। चावल को चिपचिपा होने से बचाने के लिए हम इन्हें 2 से 3 बार धो लेते हैं तो इनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है। बट अगेन इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल की बूंदें डालने से आपके चावल जो है बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। नमक जो है वो एक्स्ट्रा स्टार्च को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑयल की वजह से आपके चावल जो है बिल्कुल भी खिले खिले बनते हैं, चिपचिपे नहीं बनते। मेक वेजिटेबल सैलड। वेजिटेबल सैलड बनाने के लिए यूज़ कीजिए पल्स फंक्शन आपके मिक्सर ग्राइंडर का। ऐड वेजिटेबल ऑफ योर चॉइस और सिंपली आप पल्स फंक्शन यूज़ कीजिए 1 से 2 बार मिक्सर ग्राइंडर का और आपका वेजिटेबल सैलड इज़ रेडी इन नो टाइम। पोस्ट मील क्रेविंग्स। आपको भी मीठा खाने की तलब यानी कि क्रेविंग्स होती है जस्ट आफ्टर लंच और डिनर, तो आप गुड़ और घी को मिला के उनको एज अ स्वीट खा सकते हैं। गुड़ एक रिच सोर्स ऑफ आयरन है और घी में भी ज़रूरत के हिसाब से फैट्स होते हैं, तो गुड़ और घी को कॉम्बिनेशन में खाने से आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी स्वीटनेस की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। खीर। मेरा तरीका खीर बनाने का ये है कि मैं पहले राइस को वाटरी मिल्क में एक विसल होने तक पकाती हूँ और उसके बाद आधे पके हुए चावल को एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। उस बर्तन में मैं डालती हूँ दूध और चीनी। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं उसमें ऐड करती हूँ केसर। केसर डालने से खीर का कलर और टेस्ट भी बढ़ जाता है। लास्ट में ड्राई फ्रूट्स को फाइनली चॉप करती हूँ और उसमें ऐड कर देती हूँ। मैंने बहुत सारे तरीके खीर बनाने के ट्राई किए हैं बट ये सिंपल तरीका मेरे घर में एक हिट है। आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए खीर बनाने के लिए। यूज़ कीजिए आटा बेकिंग के लिए। इन दिनों हम सब मैदा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं, तो अगर हमारे पास बेटर ऑप्शन है लाइक आटा तो यूज़ कीजिए इसे बेकिंग के लिए। मैं सक्सेसफुली यूज़ करती हूँ आटा को मफिन्स और कुकीज़ बनाने के लिए। क्या आप जानते हैं आलू उबालते वक्त नमक डालना चाहिए? नमक डालने से एक्स्ट्रा स्टार्च एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कि चावल में नमक डालने से एक्स्ट्रा स्टार्च एब्जॉर्ब हो जाता है और साथ ही में आलू के छिलके ईजीली निकल जाते हैं। हमारी दादी नानी बोलती थी कि अगर हमारी ग्रेवी या फिर सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया है तो एक उबला हुआ आलू डालने से टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। जवाब मुझे आज पता चला, क्योंकि आलू नमक को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। अलसो सॉल्ट ऐड करने से पानी बॉइलिंग पॉइंट को राइज कर देता है और आलू जल्दी कुक हो जाता है। और लास्टली पोटैटो लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है और इसे बेक करते वक्त आलू की टेस्ट भी अच्छी लगती है। ग्रीन पीज यानी कि मटर।
मटर को उबालते वक्त आप इसमें ऐड कीजिए नमक और शुगर, एंड दैट्स इट। आपके जो मटर है वो ग्रीन ही रहेंगे, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि मटर को उबालने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन इस ट्रिक को आप देखिए ट्राई करके, आपके ग्रीन पीस जो है वो ग्रीन ही रहेंगे। प्रोटीन के लिए ऑलवेज दाल और चावल को साथ में खाएं। दाल और चावल दोनों में प्रोटीन होता है, बट ये इन प्रोटीन है जब तक हम इसे साथ में ना खाएं। जी हाँ, आपने सही सुना, चावल में अमीनो एसिड लाइसिन और दाल में अमीनो एसिड मेथिनोइन डेफिशिएंसी होती है। सो दाल और चावल को साथ में खाना मैंडेटरी है प्रोटीन्स के बेनिफिट्स को गेन करने के लिए, तो ऑलवेज दाल और चावल को साथ में खाएं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपके पास भी कोई किचन टिप्स है तो वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, मैं इसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।